तीन तरह के चीज़ पड़ती है जी, ठीक जी, 45, 5, 50 मतलब ये औसत, जैसे 45 किलो आपका घास फूस खर पतवार ठीक जी, आपका फसल अवशेष जो भी सड़ने गड़ने वाली चीज़ है जी, घर का बचा हुआ खाना होना चाहे रोटी जो भी सड़ने वाली चीज़ है जी, 45 किलो वो अच्छा, ठीक अच्छा, 5 किलो गोबर अच्छा, पानी में भिगो कर उस 45 पे डाल देंगे अच्छा, फिर ऊपर से 50 किलो मिट्टी अच्छा, ठीक इसी तरह 45 फिर 5 किलो गोबर फिर 50 किलो वो मिट्टी फिर 45, 5, 50 इसी तरह करके भर देंगे, इतना भर देंगे जी, ठीक जी, इतना भरने के बाद क्या करेंगे इसको बोरे से ढक के पानी छिड़क के छोड़ दें जी, ये 3 महीना में आपको 1 क्विंटल खाद दे जी, समझ इतना भरेंगे हाँ, जब खाद बनेगी तो अपने आप बैठ जाएगी। अब इसमें छेद होने चाहिए, अगर ये छेद ना करें तो आप छेद, क्योंकि ये हवा से बनेगा ठीक, और चारों तरफ हवादार हो, देख रहे हो छेद है, उधर छेद नहीं छोड़ेंगे, गलती कर दें ठीक है, उधर वो था लेकिन इधर आपको छेद छोड़ दीजिए, ये छोड़, ये भी यहाँ पे भी छेद छोड़ दीजिए, एक दो हटा दीजिए, हाँ कर दे, उधर भी छेद छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए और इसमें भी छोड़ दीजिए, जितना हवादार रहेगा उतना ही आपको अच्छी खाद मिलेगी, ठीक ऐसे ही करके भरना है। ठीक, हाँ